वेलकम स्टूडेंट, हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं वेब एप्लीकेशन बेसिक का जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस चैप्टर में जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सेशन सेकंड है नेटवर्किंग फंडामेंटल, इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग, चैटिंग विद द कॉन्टेक्ट, गूगल टॉक, क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब ब्लॉग पेजेस यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, इंटरनेट सिक्योरिटी, ये सारे टॉपिक कवर किए जा चुके हैं। और आपके बुक का एक काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसमें जो पहला रिमेनिंग पार्ट है वर्किंग विथ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, इसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसको कंटिन्यू करने से पहले हमें जानना चाहिए कि व्हाट इज एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन एंड व्हाई वी यूज दिस एक्सेसिबिलिटी फीचर्स। यहाँ पे कुछ लाइनें अंडरलाइन हैं, आप लोग एक काम करिएगा कि जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और इसमें जो अंडरलाइन है इस पीडीएफ फाइल में जो हम जो अंडरलाइन करके प्रोवाइड किया उसको आप नोट डाउन करते जाएंगे साथ। कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी रिफर टू द यूजर फ्रेंडलीनेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसेबिलिटीज। ठीक है, अगर कंप्यूटर सिस्टम केवल हम ही लोग नहीं यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन सारे लोग हमारे जैसे स्वस्थ नहीं होते, कुछ लोगों के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, दैट मीन्स दे आर फिजिकली डिसेबल्ड। फिजिकली डिसेबल्ड का मतलब कुछ लोग हियरिंग डिसेबिलिटीज होती है, कुछ लोगों को विजन डिसेबिलिटीज होती है, कुछ लोगों को डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज होती हैं जिसमें हैंड ट्यूमर्स, हाथ का हिलना, कलर ब्लाइंडनेस और डिफरेंट काइंड ऑफ सिंड्रोम्स होते हैं जिससे उस कंप्यूटर सिस्टम एक नॉर्मल पर्सन की तरह यूज़ नहीं कर सकते। तो उस केस में यहाँ पे जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत सारे सेटिंग्स को प्रोवाइड करता है जिसका यूज़ करके बाकी पर्सन जो डिफरेंट काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज उनके अंदर है वो भी कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉपरली यूज़ कर सकते। तो आप देखें यहाँ पे ये जो सारी लाइनें हैं, यहाँ पे विजुअल एक्सपेरिमेंट्स, लो विज़न, सारी चीज़ें हैं किस टाइप के पर्सन के लिए ये सेटिंग की जाती है। हेयरिंग इंप्रूवमेंट इंक्लूडेड, डेफिनेस कुछ पॉइंट्स हैं जो हम बताएंगे कि ये रीज़न है, दिस आर रीजन्स वाई वी मेड सेटिंग फॉर द सेकेंड वाला छोटे, इनको आप लोग रीड कर लेंगे। यानी कि जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है, कलर ब्लाइंडनेस है या जिनको डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स है, फिजिकल डिसेबल्ड है पर्सन, उनके लिए सेटिंग हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी ओपन द एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, इसको ओपन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर जाएंगे और जाने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे विंडोज 7, विंडोज 8 या 10 होगा। तो ईज ऑफ एक्सेस सेंटर जो ऑप्शन होगा इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। ऑलवेज इन दिस सेक्शन, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन है जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट है आपका जो हम लोगों को यूज़ करना होगा, कीबोर्ड ईजियर टू यूज़, कि कीबोर्ड कैसे ईजियर यूज़ किया जा सकता है हम लोग देखेंगे। जैसे सेटिंग होगी यहाँ पे एक पॉइंट्स को डिस्कस कर दिए जाएंगे और इसको इंप्लीमेंट कर दिए जाएंगे। तो फिर हम आते हैं यहाँ पे, तो अपने इस ओपन के लिए एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को और जो भी सेटिंग करनी होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द स्टिकी कीज। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टिकी कीज। लुक एट हियर, स्टिकी कीज इज द एक्सेसिबिलिटी फीचर्स टू हेल्प कंप्यूटर यूजर with a physical disability but also used to other means by reduce the repetitive strain. Sticky allow user to यहाँ पे जो काफ़ी जो लाइन यहाँ पर दी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Sticky keys is an accessibility features to help computer user with the physical disabilities but it also used by the others as means to reduce the repetitive strain. स्टिकी की अलाउ यूजर्स टू प्रेस एंड रिलीज मॉडिफायर की सच ए शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट और विंडोज की एंड हैव रिमेन एक्टिव अंटिल द अदर इज प्रेस्ड।
इसका मतलब ये होता है कि रिपीटेटिव स्ट्रेंथ, जैसे कुछ लोग टाइपिंग करते हैं तो उनका हैंड हमेशा हिलता रहता है, तो उस केस में वो चाहते हैं कि जो टाइपिंग करें वो प्रॉपरली टाइप हो। अगर उनका हैंड हिल भी रहा है तो क्या होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर की को लंबे समय तक प्रेस किए रहें तो एक ही जो वर्ड है बार बार वहाँ पे टाइप हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग स्टिकी की फीचर्स को इनेबल करते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है हमें कॉपी करना है तो हम लोग शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, कंट्रोल सी पेस्ट करना है, देन वी यूज़ द कंट्रोल की एंड वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ शॉर्टकट की बाई यूज द कम्बिनेशन ऑफ कीज से कट कॉपी पेस्ट। कुछ एग्जाम्पल्स हैं फॉर कंट्रोल प्लस सी फॉर कॉपी, अल्ट प्लस एफ फॉर क्लोज द विंडो, ऐसे डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ कीज हैं। अगर पर्सन फिजिकली डिसेबल्ड हो जो एक साथ एक की को ही प्रेस करता है कर सकता, दो की को प्रेस नहीं कर सकता, तो उस केस में वो कैसे कंप्यूटर को यूज़ करेगा। तो उस केस में स्टिकी की फीचर्स जो है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में एक काफ़ी यूज़फुल होता है, हेल्पफुल होता है कि अगर हम इस सेटिंग को कर दें तो उसको एक साथ वो यूज़ कर सकता है। देखिए यहाँ करके देखते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं स्टार्ट देन कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल ऑलरेडी हम लोग खोल चुके हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे खोल लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं कहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग है, बुक में कुछ अलग दिखा रहा है। तो विंडोज 7 के लिए या विंडोज XP के लिए वो सेटिंग्स दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग लेटेस्ट विंडोज 7 या 8 यूज़ कर रहे हैं। तो हम ईज ऑफ एक्सेस सेंटर इसको ओपन करेंगे ऑलवेज इन दिस सेक्शन एंड देन ओपन करने के बाद हम लोग आएंगे मेक कीबोर्ड इजियर टू यूज। यहाँ पे दिया हुआ है टर्न ऑन स्टिकी कीज, टर्न ऑन स्टिकी कीज, इसको हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, यूज इट अप्लाई एंड देन ऑलवेज इन दिस सेक्शन। ओके, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को हम लोग ऑन कर लेते हैं इस फीचर को। स्टिकी की फीचर्स इनेबल हो चुका है तो इसका यूज स्टार्ट मैग्नीफायर हम लोग देखते हैं, यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हैं। फिर नीचे आते हैं देखते हैं कि इनेबल अप्लाई सेटिंग्स वहाँ से स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। यहाँ पे देखेंगे कि आपके इस आइकन में सेट अप हाई कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पे सारी चीजें विजिबल होंगी नीचे यहाँ पे डेस्कटॉप पे। स्टार्ट मैग्नीफायर, कंट्रोल पैनल, सॉरी जो आपका टास्क बार है वहाँ पे राइट कॉर्नर में इसको आप लोग देख सकते हैं। स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, सेट अप हाई कॉन्ट्रास्ट, स्टार्ट मैग्नीफायर, स्टार्ट नैरेटर। Start on screen keyboard. Always in this section. Set up high contrast. Start magnifier. Start magnifier. Start narrator. Start on screen keyboard. कि मैग्नीफायर ओपन हो गया, इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं। हमें जो ओपन करना था सेट अप हाई कॉन्ट्रास्ट, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमें एक्चुअली ओपन करना था ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आप लोग जानते हैं क्या होता है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में जो कीबोर्ड होता है ये हमारे डेस्कटॉप पे अवेलेबल हो जाता है, तो अगर इसको यूज़ करना हो तो हम डायरेक्टली हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए, इसमें स्टिकी कीज है, फिल्टर कीज है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली वन और टू मार्क्स के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो बेसिकली इसकी डिफिनीशन क्या है, इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए।
देखिए हम लोग कंट्रोल पैनल से, सॉरी हम लोग देखिए यहाँ पे देखिए जो हम की प्रेस कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग देखते हैं कि यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। नोट पैड ओपन कर लेते हैं, सपोज कि हमने लिखा यहाँ पे इस कंटेंट हम लोग राइट डाउन करते हैं, तो जैसे हम कोई भी स्पेशल कैप लॉक या फिर कंट्रोल की हम लोग प्रेस करेंगे यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको कैसे प्रेस करेंगे। सपोज कि जैसे हम टैब की प्रेस कर रहे हैं, ओके यू हैव हियर सम साउंड, शिफ्ट की, कंट्रोल की, अब देख लीजिए कि सारे साउंड्स आप लोग हियर कर पा रहे हैं। सपोज आई वॉन्ट टू मेक कॉपी, मुझे कॉपी करना है, उसको सेलेक्ट करते हैं, वी मेड सेलेक्शन ऑफ कंट्रोल की एंड देन सी की। क्या पहले पॉसिबल था कि हम लोग कंट्रोल की को एक बार प्रेस करें फिर सी को दूसरी बार प्रेस करें? पॉसिबल नहीं था, लेकिन जैसे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे इसको अलग अलग पेस्ट किया। अगर सपोज मुझे पेस्ट करना है देन यू प्रेस कंट्रोल देन यू प्रेस सी। देख रहे हैं कि हमने जो कॉपी किया था माइक को क्या किया था, हमने पहले सेलेक्ट किया था, सिलेक्शन के बाद फिर हम कंट्रोल की को प्रेस किए थे और सी को प्रेस किए थे, तो कम्बिनेशन ऑफ की कंट्रोल प्लस सी एक साथ प्रेस किया था कॉपी करने के लिए। लेकिन जब हम पेस्ट कर रहे हैं तो पेस्ट करने के लिए भी कम्बिनेशन ऑफ की एक साथ प्रेस किया जाता है, लेकिन हमने एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन पे जाके स्टिकी कीज को ऑन करके हमने इसको अलग अलग करके देख लिया। तो हम देख रहे हैं चीज़ें काफ़ी आसानी से हो जा रही हैं एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को यूज़ करने से। तो आप भी जाएंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम में या जब स्कूल खुलेगा लैब में आएंगे तो लैब में सारी चीज़ें प्रैक्टिस करके आप लोग एक्सरसाइज करके देखेंगे। ओके इसको हम क्लोज कर दे रहे हैं, हम सब करते हैं। नेक्स्ट है आपका फिल्टर की। फिल्टर की फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इट इज़ एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन दैट टेल द कीबोर्ड टू इग्नोर ब्रीफ रिपीटेटिव की स्ट्रोन मेकिंग टाइपिंग ईजियर फॉर द पीपल विथ हैंड ट्रिगर्स। देखिए फिल्टर की स्टिकी की से थोड़ा सा एडवांस है और इसमें जो पर्सन हैंड ट्रिमर्स समझ रहे हैं आप लोग क्या होता है, ऐसे पर्सन जिनका हाथ हिलता जुलता रहता है, रिपीटेड की स्ट्रोक जिन लोगों से टाइपिंग के टाइम एक ही की बार बार दबती जाती है, दब जाती है गलती से, हैंड ट्रिमर्स उनकी प्रॉब्लम होती है, तो उन पर्सन्स के लिए हम लोग फिल्टर की सेटिंग्स को इनेबल करते हैं। तो यहाँ पर रिपीटिव जो टाइपिंग होती है कि जो वर्ड बार बार टाइप हो जाता है तो उससे हम लोग बच सकते हैं, इसके लिए वी मेड द फिल्टर की सेटिंग्स। इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे ईज ऑफ एक्सेस एंटर चीज़ें सेम होंगी, आप कहाँ पे जाएंगे सर, हम इसको बंद करके क्लोज करते हैं, जरूरत है नहीं। स्टार्ट कंट्रोल पैनल, देखिए कभी कभी होता क्या है कि आप कंट्रोल पैनल जब ओपन करते हैं तो चीज़ें आपको इस टाइप से देखती हैं, कैसे कैटेगरी, आप कैटेगरी दिख गई, आपको पता नहीं चलता कि हम सेटिंग पे इस आप एक्सेस सेंटर पे कैसे जाएंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ से भी जा सकते हैं, या फिर सबको आइकन वाइज सारे आइकन्स को अलग अलग देखना चाहते हैं या सारे जो ऑप्शन अवेलेबल हैं अलग अलग देखना चाहते हैं तो लार्ज आइकन स्मॉल आइकन पर जाके आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। इज आप एक्सेस सेंटर ऑलवेज इन दिस सेक्शन, ओके अब कीबोर्ड हम इसको ओपन कर लेते हैं, कीबोर्ड सेटिंग, टर्न ऑन फिल्टर की, हमको यहीं से फिल्टर की टर्न ऑन कर देना है एंड देन रिप्लेस द ऑप्शन, तो फिल्टर की ऑलवेज इन दिस सेक्शन। ओके तो इस तरीके से हम फिल्टर की सेटिंग को कर सकते हैं। नीचे आते हैं, देन वी कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, टॉगल कीज, व्हाट आर टॉगल कीज एंड हाउ वी कैन यूज टॉगल कीज। देखिए यहाँ पे जो सेटिंग्स दी हुई हैं आप लोगों के फिगर्स में दिख रही है तो उससे आप कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दिस सेटिंग्स आर गिवन फॉर विंडोज 7 एंड राइट नाउ वी आर यूजिंग विंडोज 10 और विंडोज 8। आप लोगों के लैब में विंडोज 10 इंस्टॉल है
तो विंडोज़ 10 और 8 नियर अबाउट इनका जो लुक है सेम ही होता है। तो जैसे हम विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 10 भी उसी टाइप का है, थोड़ा सा एडवांस सॉफ्टवेयर है, तो वहाँ से जाके हम इसकी मैनुअल सेटिंग कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द टॉगल कीस, व्हाट आर टॉगल कीस, विल ट्राई टू अंडरस्टूड। टॉगल कीस इज ऑल्सो रिफर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इट इज़ एक्सेसिबिलिटी फंक्शन विच डिज़ाइन फॉर पीपल हैव विजन इम्पेरिसन कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज। देखिए टॉगल कीज जो बेसिकली ऑप्शन होता है, ये विंडोज टॉगल कीज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कई फीचर्स है, और ये उन लोगों के लिए होता है जिनको विजन डिसेबिलिटीज होती है, यानी कि विजन की प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो चीज़ों को प्रॉपरली देख नहीं सकते। सपोज तरीके हम यहाँ पे कैपलॉक की प्रेस करें तो हम लोग प्रॉपरली देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे पर्सन हैं कि उन्होंने की को प्रेस किया या नहीं किया। जैसे की को प्रेस करेंगे दे जनरेट ए स्पेशल काइंड ऑफ साउंड दैट दे कैन इंश्योर दे हैव प्रेस दिस पर्टिकुलर की। हियर कंप्यूटर इमिट साउंड क्यूज व्हेन लुकिंग कीज कैप लॉक नम लॉक स्क्रॉल और प्रेस। जैसे हम इस की को प्रेस करेंगे तो एक हाई साउंड एमिट होगा, इसको लुक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग ऑन करते हैं क्या कंट्रोल पैनल, देन गो ऑन द टॉगल की, टॉगल की फीचर्स। यहाँ पर हम लोग जाते हैं कहाँ पर इस ऑफ एक्सिस साइड पर, always in this section, then filter key pop kar dete hain, toggle keys hai, turn and toggle keys. Hear a tone when you press caps lock num lock or scroll lock. Jab apni keys ko press karenge you are hear a sound, you press apply and okay, then we see what always in this section. Okay, suppose kariye ki हम लोग जैसे ही देखिए कैप लॉक हमने प्रेस किया, जैसे कैप लॉक को ऑन किया, देखिए ऑन करने पे साउंड आ रहा है और ऑफ करने पे डिफरेंट साउंड आ रहा है। ऐसे कंट्रोल की स्क्रॉल लॉक है, इसमें आई होप लैपटॉप में नहीं दिया हुआ स्क्रॉल लॉक, तो अब इसको जैसे ऑन करेंगे ऑफ करेंगे तो यू गेट डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स। इनको आप लोग करके देखिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि व्हाट आर टॉगल कीज वाई यूज टॉगल कीज ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक किन के लिए यूज़ होता है, इसलिए डिसेबल पर्सन होते हैं तो किस टाइप के होते हैं, इनको विजन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनके लिए इस की का यूज़ किया जाता है। नॉट टॉकिंग अबाउट द साउंड टैप, यहाँ पे हम लोग आते हैं नेक्स्ट साउंड सिनेट्री, इसको आप अप्लाई कर लेंगे टॉगल कीज को, इसको बाद साउंड सिनेट्री। ये साउंड रिलेटेड जो सेटिंग्स होती हैं वो होती हैं साउंड सिनेट्री में। साउंड सिनेट्री डिजाइन टू हेल्प यूजर्स विद द ऑडिटरी इम्पेरेंस। साउंड सिनेट्री जनरेट विजुअल वार्निंग सच एज ब्लिंकिंग टाइटल बार फ्लैशिंग बॉर्डर व्हेन अवर कंप्यूटर जनरेट साउंड। ये ऐसे लोगों के लिए, ऐसे पर्सन जिनको हेयरिंग डिसेबिलिटीज़ है, दे आर अनेबल टू हियर द थिंग्स प्रॉपरली, तो उसके लिए विजिबल सिंबल जनरेट होते हैं, यानी कि अगर आपका टाइटल बार हाईलाइट हो रहा है, स्क्रॉल बार हाईलाइट हो रहा है कि आपको स्क्रॉल करना है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट विजुअल सिंबल के थ्रू यूज़र को इंडिकेशन दिया जाता है, इंडिकेट किया जाता है कि आपको ये टास्क करना है, आपको कोई फाइल ओपन करना है, या टाइटल बार आपका ये हाईलाइटेड है, यानी कि आपका ये पर्टिकुलर जिस विंडो पे काम कर रहे हो विंडो हाईलाइटेड है, तो टाइटल बार एक्टिवेट होकर वहाँ पे उनको इंडिकेट करता है। यहाँ पे हाउ वी कैन मेट दिस सेटिंग, टू इनेबल साउंड सेनेटरी सेटिंग क्लिक ऑन द साउंड सेनेटरी अंडर साउंड टैप डूइंग द एक्टिविटीज। ये इसको देखिए हम लोग कैसे करते हैं,
वहाँ पर हम लोग आएंगे यहीं पर। साउंड से एंट्री नहीं दिया होगा कंप्यूटर विदाउट डिस्प्ले इसमें नहीं है उसमें कहाँ पर दिया जाता है कॉमन साउंड साउंड सेटिंग में आते तो रिकॉर्डिंग साउंड चलिए इसको हम लोग जो आप लोग लैब में आएंगे तो उसको करके दिखाएंगे उस टाइम पे। तो अभी जो बाकी लेक्चर है उसको हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। साउंड सेटिंग यहाँ पे ओके साउंड सेटिंग को हम लोग अंडरलाइन के इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। साउंड सेटिंग डिजाइन टू हेल्प द यूजर्स विदाउट ऑडिटरी एक्सपेरिमेंट साउंड सेंट इज जनरेट विजुअल वार्निंग सच इज ब्लिंकिंग टाइटल बार प्रेसिंग बॉर्डर व्हेन कंप्यूटर जनरेट अ साउंड ओके। यहाँ पे सेटिंग्स करने के लिए अब विंडोज में जाएंगे अगर तो साउंड शो साउंड यहाँ पे कीबोर्ड साउंड डिस्प्ले माउस एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के अंदर ही होना चाहिए तो फिर से ओपन करते हैं। कंट्रोल पैनल ओपन कर लिया हमने एक और सी बात है ऑल विस्क इन दिस सेक्शन देखते हैं यहाँ पे साउंड का दिया हुआ नहीं दिया हुआ ऑलवेज स्कैन द सेक्शंस आई होप एक्सप्लोर ऑल सेटिंग्स ठीक है यहाँ पर नहीं दिख रहा है वहाँ पर आपको स्टार्ट मैग्नीफायर कीबोर्ड देना चाहिए हो सकता है कहीं और दिया तो इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट आते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द साउंड कंट्रोल सो साउंड नेक्स्ट फीचर इज सो साउंड इंस्ट्रक्ट एप्लीकेशन दैट कन्वे इंफॉर्मेशन बाय साउंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विजुअली थ्रू द टेक्स्ट कैप्शन और इंफॉर्मेटिव आइकन सो साउंड्स यानी कि जब हम कोई सिस्टम यूज़ करेंगे या कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे दैट मीन्स दे कन्वे इंफॉर्मेशन थ्रू द साउंड्स और इनके लिए होता है कि जो पर्सन फिजिकली या जिनको विजुअल डिसेबिलिटीज होती है जिनको प्रॉपरली कंटेंट आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है जिसमें उन्होंने स्टार्ट की को प्रेस किया यू हैव प्रेस द स्टार्ट की यू सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स यू गो टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यू हैव सेलेक्टेड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐसे साउंड जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग्स के लिए डिस्प्ले पे जाके इनेबल साउंड एंट्री यूज द सो साउंड्स अंडर द साउंड टैब्स एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के अंदर यहाँ पे जाके हम अप्लाई एंड ओवर करेंगे ये चीज़ यहाँ पर हमको डिस्प्ले देन टॉकिंग अबाउट डिस्प्ले टैब ऐसे ही डिस्प्ले के लिए हाई कॉन्ट्रास्ट है
Display tab. Select the display tab for Windows option to configure accessibility option for displaying. यानी कि डिस्प्ले रिलेटेड को अगर कोई सेटिंग करनी हो, कॉन्ट्रास्ट कम करना हो, ज़्यादा करना हो, या ब्राइटनेस कम करनी हो, ज़्यादा करनी हो, तो उस केस में हम लोग डिस्प्ले टैप की सेटिंग्स हम लोग कर सकते हैं कंट्रोल पैनल में जाके। कंट्रोल पैनल ओपन कर लेंगे, वहाँ पे जाके एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को ओपन करने के बाद हम इनको कॉन्फिगर कर लेंगे। एक्सेसिबिलिटी इज एक्सेस सेंटर Always in this section. यहाँ पे आई होप डिस्प्ले दिया हुआ नहीं दिया हुआ। तो कंप्यूटर की Always in this section. जो अलग अलग सेटिंग्स है, अगर विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं तो सारी सेटिंग्स वहाँ से जाके कर सकते हैं, क्योंकि ये विंडोज़ 8 में कोई डिफरेंट है। यहाँ पे कंट्रास्ट एंड हाई कॉन्ट्रास्ट सिक्योरिटी फीचर असिस्ट पीपल टू विजन एक्सपेरिमेंट, साइट कैन चेंज द साइज फॉन्ट कलर, इन सब चीज़ों को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो सारी सेटिंग्स जो टूल्स हैं वहाँ पे हम आप लोगों को बताएंगे कैसे करेंगे जब लैब में आएंगे, तो सारी चीज़ें वहाँ पे करके आप लोगों को लैब में बताई जाएंगी। डिस्प्ले टैब के अंदर कुछ सेटिंग्स होती हैं जिसमें हम एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हाई कॉन्ट्रास्ट यानी कि कॉन्ट्रास्ट लेवल को हाई करना, एक्सेसिबिलिटी फीचर असिस्ट पीपल फॉर विजन इंप्रूवमेंट, यू कैन चेंज द साइज एंड कलर ऑफ फॉन्ट एंड बैकग्राउंड इजी फॉर यू। तो फॉन्ट कलर का कॉन्ट्रास्ट हाई करना, पीछे का बैकग्राउंड का कॉन्ट्रास्ट लो करना, सपोज कि अगर मुझे कुछ राइट डाउन करना है तो फॉन्ट कलर डार्क होना चाहिए और बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, बिल्कुल लाइट होना चाहिए, चीज़ें काफ़ी आसानी से विजिबल। इसकी सेटिंग्स यहाँ पे दी हुई है, इसके रिगार्डिंग हम लोग हाई कॉन्ट्रास्ट यूज़ हाई कॉन्ट्रास्ट सेटिंग इसको हम यहाँ से कर सकते हैं। थिंग टॉकिंग अबाउट द कर्सर ऑप्शन, कर्सर ऑप्शन इज ऑल्सो एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल विद द विजन एक्सपेरिमेंट बाई चेंजिंग द ब्लिंकिंग रेट विद कर्सर बॉर्डर। यानी कि कर्सर की भी सेटिंग को हम लोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जिसको विजिबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उस केस में कर्सर की ब्लिंकिंग रेट को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे नोट पैड भी ओपन करें, नोट पैड जो कुछ भी ओपन हो, सपोज करिए हम लोग कुछ टाइप करना चाहते हैं, सपोज आई वांट टू टाइप समथिंग, देखिए दिस ब्लिंकिंग ऑफ कर्सर, इनको ड्राई डाउन किया, स्पेस थोड़ा डाला, देख रहे हैं कि अब हमारा जब कर्सर इट इज़ ब्लिंकिंग, ब्लिंक मतलब ऑन ऑफ हो रहा है, तो इसके रेट को हम लोग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। लोग प्रॉपरली दिख रहा होगा, तो ये ब्लिंक हो रहा है ना, इसके रेट यानी कि ब्लिंकिंग रेट की सेटिंग को भी कम या ज़्यादा किया जा सकता है। स्लो ब्लिंकिंग सपोज करिए कि जिनको प्रॉब्लम है विजन की, उनके लिए ब्लिंकिंग स्लो भी कह सकते हैं, या ब्लिंकिंग फास्ट हो, दोनों सेटिंग हम लोग कर सकते हैं। ऐसे मीन सेटिंग्स को यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पे देखो। उसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पे, कसर ऑप्शन, इनकी सेटिंग्स के थ्रू इनको हम लोग चेंज कर सकते हैं। माउस टैप, माउस कीज, देखिए माउस कीज इज एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन फीचर दैट असिस्ट पीपल दैट हैव डिफिकल्टी यूजिंग द माउस, यानी जिनको माउस यूज करने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू इनेबल माउस, क्लिक ऑन द यूज माउस कीज एंड क्लिक अप्लाई, ओके।
केस में क्या होता है कि हम हमारा जो माउस है, देखिए हमारे पास लैपटॉप लैपटॉप है, छोटा लैपटॉप है जिसमें जो कीज है माउस के लिए, हम कीबोर्ड को ही यहाँ पे हम कीबोर्ड को ओपन करेंगे और इसका कीबोर्ड ओपन करेंगे अच्छे से मिला जाएगा। All with skin this section. Start on screen keyboard. देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ कीज़ हैं न्यूमेरिक कीज पैड है वो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, न्यूमेरिक की पैड होता है डायरेक्टली यहाँ पे साइड में जो नंबर्स कीज होती हैं डायरेक्टली उसका यूज़ करके माउस के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, यानी जिनको माउस चलाने में प्रॉब्लम होती है कीबोर्ड की हेल्प से ही माउस को रन कर सकते हैं, तो उनके लिए सेटिंग करनी होती है मेक माउस ईजियर। यहाँ पे जाएंगे हम लोग और देखिए यहाँ पे जो डिफरेंट पॉइंटर्स थे इन्वर्टिंग रेगुलर तो उसको कर सकते हैं टर्न ऑफ माउस की यूज़ न्यूमेरिक कीपैड। यहाँ पे सेटिंग करेंगे तो हम लोग जो कीपैड है उसकी हेल्प से माउस को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि माउस यूज़ करने के लिए माउस को टच करने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन टच डायरेक्टली हम यहाँ से माउस को टच किए कीपैड टच किए बिना कीबोर्ड की हेल्प से माउस को यूज़ कर सकते हैं। ओके इसको अप्लाई ओके करेंगे, अप्लाइड हो जाएगा तो इसको हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। ऑलवेज इन दिस सेक्शन नेक्स्ट है आपको जनरेटर। जनरल टैब दिस टैब इनेबल द यूज़र कॉन्फिगर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन फॉर ऑल यूजर्स, ये सभी टाइप के यूजर्स के लिए एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को हम लोग कॉन्फिगर करते हैं। और इसको कैसे करते हैं फिगर एट फिगर के माध्यम से यहाँ पे बताया भी गया है। दिस टैब इनेबल द कॉन्फिगरेशन एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन फॉर ऑल यूजर्स, टर्न ऑफ एक्सेसिबिलिटी फीचर आफ्टर आइडियल फॉर गिविंग वार्निंग मैसेज व्हेन टर्निंग ऑफ फीचर्स ऑन इट मेक्स साउंड व्हेन टर्न ऑफ, यानी कि इस फीचर्स को जब ऑन ऑफ करते हैं तो ये साउंड जनरेट करता है और ये हम एक साथ सारे यूजर्स जितने भी यूजर्स कम्युनिटी यूजर्स हैं उनके लिए हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जनरल यहाँ पे दिया हुआ है टर्न ऑफ एक्सेसिबिलिटी फीचर्स आफ्टर आइडल फॉर 5 मिनट्स 2 मिनट्स। और जैसे इस फीचर्स को हम लोग ऑन करते हैं मेक साउंड व्हेन यू टर्निंग ऑन और ऑफ द फीचर्स, इस सेटिंग्स को हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट द सीरियल कीज, तो व्हाट आर सीरियल कीज, अभी तक हम लोगों ने जो सेटिंग्स के बारे में पढ़ा दिस और सेटिंग्स और रिलेटेड द सॉफ्टवेयर विंडोज़ की सेटिंग्स थी। सीरियल कीज इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर्स दैट असिस्ट पीपल दैट हैव डिफिकल्टी यूजिंग द कीबोर्ड माउस और बोथ, इस केस में जिन लोगों कीबोर्ड और माउस यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है व्हाट वी डू वी यूज स्पेशल काइंड ऑफ डिवाइसेज, दे कैन यूज स्पेशल काइंड ऑफ डिवाइसेज सच एज सेफ पब ब्रेक स्विचेस टू प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर, डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट डिवाइसेज का यूज़ करते हैं सीरियल पोर्ट से कनेक्ट करने के बाद डायरेक्टली उनको इनपुट प्रोवाइड करते हैं।
कि हमें देखिए साउंड्स के फॉर्म में कैसे हम लोग इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सिग्नल के माध्यम से इसको कैसे किया जा सकता है, इसको कैसे करेंगे। अप्लाई ऑल सेटिंग्स लॉग ऑन डेस्कटॉप टू टेक्स्ट व्यू, अप्लाई द कॉन्फिगरेबिलिटी ऑप्शन। तो हम जब लैब में आएंगे तो लास्ट टॉपिक है करके बताया जाएगा, बिकॉज ऑल द थिंग्स आर प्रैक्टिकल। इसलिए हमने इस टॉपिक को लास्ट के लिए छोड़ा था कि ये सारे टॉपिक्स प्रैक्टिकल हो जाएंगे, तो प्रैक्टिकली टॉपिक्स हैं इनको वहाँ पे करके बताया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका इस चैप्टर का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। सिग्नल कीज उनके लिए यूज होता है, यानी कि जिन पर्सन को कीबोर्ड और माउस यूज करने में प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे सेटिंग अप्लाई करने के लिए देखिए, यहाँ से जब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली एक ही नंबर के होते हैं, और एक या दो नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो हाईलाइटेड पोर्शन है उनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा कि जब नेक्स्ट टाइम इसको लैब में इम्प्लीमेंट करने जाएँ तो काफ़ी आसानी है। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक डिस्कस किए गए हैं आई होप आप लोग सबका नोट्स तैयार कर लेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब क्लासेस चलें तो उसके आगे हम लोग कंटिन्यू कर सकें। इसमें जो भी टॉपिक्स हैं तो आप सारे लेक्चर को सुन लीजिएगा बार बार रिवाइज करके, क्योंकि यहाँ पे जो हम यूट्यूब से देखते हैं तो जो स्टूडेंट्स का व्यूज़ काफ़ी कम है, लिसनिंग टाइम भी बहुत कम है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं उसको प्रॉपरली सुन नहीं रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप सभी लोग लेक्चर को सुनें, प्रॉपरली सुनें, और सुनने के बाद प्रॉपरली नोट्स भी तैयार करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से, जो मेरा यूट्यूब चैनल है या फिर व्हाट्सएप नंबर है, मैं यहाँ पर नोट डाउन कर ले रहा हूँ कि उस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे या तो मुझे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो फिर मेरी ईमेल आईडी gmail.com इस पर आप लोग मेल कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। तो जब हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम को इंक्लूड करते हुए फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।